न जाने कब कहां कैसे किस परिस्थिति में कौन सा रास्ता चुन लिया। उन रास्तों पे चलते हुए उन्हें पता नहीं चला कि मंजिल क्या होगी, बस चल दिए। आमतौर पर लोग मंजिल को देखकर रास्ता चुनते हैं, पर उन्होंने तो सिर्फ रास्ता चुना बिना ये तय किए कि अंजाम क्या होगा। मंजिल का अंदाजा नहीं था उन्हें, वो चार मंजिल की तरफ जा रहे थे या मंजिल उनकी तरफ आ रही थी, पता नहीं। हाँ सुरेश्री, बेटा बेटा शॉपिंग करके मॉल से सीधे घर जाना, हाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ इधर उधर मत चले जाना, मैं शाम को थोड़ा घर लेट पहुंचूंगा। हाँ अच्छा बेटा। आदमी पार्किंग लॉट में फायरिंग करता है और उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। कारण काम है सारू के, क्योंकि हम बचाने का वादा करने के बाद बचा तो नहीं पाते, लेकिन वो साले धमकाने के बाद मार जरूर डालते हैं। मेरी मीडिया कंपनी हमेशा की तरह करप्ट और एंटी सोशल एलिमेंट्स का मुंह काला करती रहेगी। मुझे क्राइम ही खत्म चाहिए सारू के। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू कांट सेव द इनोसेंट, ऑलवेज किल द बास्टर्ड। मैं ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब हटाता रहूंगा। थैंक यू। मैन मिस्टर पवार, जैसे मीडिया मोगल पे जानलेवा अटैक होता है, पुलिस क्या स्टेप्स ले रही है? Isn't it a failure of Mumbai police? एक मिनट, इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन एट दिस स्टेज। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट यस हमने मिस्टर पवार को सिक्योरिटी ऑफर की है और अश्योरेंस दिलाया है कि इस केस को जल्दी से जल्दी क्रैक किया जाएगा। मैं मीडिया में कुछ लोगों का कहना है कि आपके डिपार्टमेंट के लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि मिस्टर पवार की बेबाकी से उन्हें खतरा है। नो मोर फर्दर क्वेश्चंस, दैट्स इट, शैल कीप यू अपडेटेड, थैंक यू। अंडरवर्ल्ड सर के रिलेशन के बारे में पूछने पर डिपार्टमेंट चुप क्यों हो जाता है? सेवरल टॉप कॉप्स आर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग विद अंडरवर्ल्ड, व्हाई डोंट यू टेक एनी स्टैंड? अक्यूज्ड और कॉन्विक्ट में फर्क होता है मैम। जब आप मीडिया वालों को किसी अक्यूज के बारे में पता चल जाता है, तब आप मीडिया वाले उसके पीछे पागलों की तरफ पड़ जाते हैं, अक्यूज को लाइमलाइट में लेकर आते हैं। उसी अक्यूज को जब हम हिरासत में लेते हैं, तो आप मीडिया वाले ह्यूमन राइट्स की दुहाई देते हैं। Why don't you make your stand here first? I said no more further questions. We'll keep you updated. के बात है अनवंत, चोरन का पता ना चला के? मालूम न है कि पुलिस सट्रेट हो रही है, ढूंढ रही है वो साड़ा पवार, साली टिश्यू पेपर से गांड धोने वाली, साला जिसके पीछे पड़ा बर्बाद कर दिया। और तू सोचे साला इंटरेस्ट ही ना ले रहा काम में? धीरे, अरे अरे नहीं सरकार, ऐसे कैसे आपके काम में इंटरेस्ट नहीं होगा है? बस क्या है, कभी कभी ड्यूटी भी कर लेते हैं, तब हमारा मैनेजमेंटल जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है बस है? रे ससुरे मारा काम कब करेगा? जब पुलिस मुझे घर से ठा के चुत्तड़ों पे लठ बजाएगी तब। राम 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 राम, अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं और फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं इतना? अरे हम है ना, अरे वो हनुमान जी अपने पुच्छी में आग लगा के लंका राख कर दिए, रावण ढूंढ निकाले, वैसे ही हनुमान सिंह भाई अपने पिछवाड़े का जोर लगा के दो चार खरदूसन तो ढूंढ ही लेगा। आप निश्चिंत होकर के आराम कीजिए। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रिलैक्स, टेंशन लेने का काम हमरा है, छोड़ते हैं अभी। साला गांड भी पट रही और शेर भी देखना है, अरे इतना ही पटता तो कहे शेर देखने निकल जाते हैं बे। भावनाओं का ऐसा समंदर जिसकी लहरें साहिल पे पहुंचने से पहले ही खुद को काट रही थी,
और शायद उन्हें इस बात का एहसास भी था। उन बेबाक लहरों में एक अजीब सा शोर था जो शायद आने वाले सन्नाटे के बारे में कुछ कहना चाह रही थी। महकू का भतीजा बिटवा, वैसे तो सबसे छोटा है लेकिन मस्करी में बाकी सब इनके बिटवा लगते हैं। कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। भैया ट्रेन आ रही है। ये है चंद्रभान, महकू का बड़ा बेटा ना होके भी उसके बड़े बेटे जैसा ही है और इस अफलातून बटालियन में थोड़ा बहुत समझदार होने का गौरव इन्हें ही प्राप्त है। चल। अरे भैया, वो लोहा काहे में डाल के लाल कर रहे थे? चुप साले। एक जिपुआ मिली थी उसका सरिया निकाले थे और किशनगंज वाला मिला था साला कनुंची, बहुत कानून झाड़ रहा था भाई, समझा क्या है? अटका कहा है रे? या चोद निशाना अगर सही जगह पे लगा तो तेरा घोटा गया। ये है अटका, इसका असली नाम तो शायद अब ये भी भूल चुका है। जवानी की शुरुआत में ही भाई साहब जन्नत की सैर करने गए थे, वहां क्या अटका पता नहीं, पर तब से ही अटका के नाम से ही जाने जाते हैं।
साला ये तो बिल्ली का लिद है, इसमें का होगा रे? लोगों का विश्वास है भगवान से उड़ गया, ऐसा फेंकना पानी में बंद कर दिया, गंगा जी को बेवकूफ बना। ए भैया सलाई अठन्नी देखिए, ससुर सलाई भी नकली है, हट फेंको मत। क्या यार कितना खटमल हो गया बे? ये है महकू काका, बस इन्हें खुद को बुढ़ा कहलाना पसंद नहीं, ये करना तो सब कुछ चाहते हैं पर इनसे होता कुछ नहीं। लेकिन हाँ ये तीनों इनकी जान है और ये इन तीनों की जान। हाँ बुढ़ाऊ तुम्ही को काटते हैं, वो भी सही जगह पे आदमी देख के। चप्पल खटमल को बताए का हम कहा काटे कहा ना काटे है? कितना हो गए? 9 रुपया 25 पैसा। है? अरे 9 रुपया 25 पैसा। अरे चलो चलो एक आमलेट खाते हैं, है? बहुत भूख लगी। अच्छा, आमलेट खाते हैं? इतना पैसा में तुमको आमलेट भी चाहिए, वो भी अंडा। ए बुढ़ाऊ अंडा नहीं मुर्गी आ जाएगा इतना में। हट और का। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, एक मुर्गी खरीद के लाते हैं, उसकी गड़िया में हाथ डालते हैं, 4-5 अंडे निकालते हैं कच्चे पक्के, और तुम तीनों को उसका आमलेट बनाकर खिलाते हैं। इतने पैसे में तुम्हारी मौसी भी ना नाचे। ए भैया सुनो 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 ना, एक काम करते हैं ट्रेन वापस बुलाते हैं, ठीक है? और इस बार पानी में साले बुढ़ो कूदेगा और फिर देखना पिछवाड़ा कैसे फट के किवाड़ होता है, साला सारा बम बोले भरा जाएगा। अरे भिटवा, अरे एक दो अंडे के लिए काहे गंगा जी में कूदवा रहे हो हमें? देखो बेटा अंडा तो हम खिला देंगे, ऑमलेट भी खिला देंगे, पर बताओ ये जो टिंकलिया है ना, इसका नाच देखने को मिल जाता ना अगर रात को, तो पुष्पा का सब मन पसंद हो जाता। अरे वाह रे वाह बुढ़ो, तुम्हारी जवानी में उफान है साला। हाथ मोमबत्ती पैर अगरबत्ती, एक पैर केले के छिलके पर दूसरा कबर में, टिकलिया का नाच देखे करे बुढ़ो, नाच देखे। अरे नाच तो आंख से देखना भाई, पैर हाथ से थोड़ी देखना यार। ओए होए नाचती है तो साली जान ले लेती है। वही तो हम बोल रहे थे। ये पगला भूल गया किशनगंज के बाबू साहब से भी तो मिलना है। साला ये बात तो हमारे दिमाग से स्लिप ही कर गया। साला उस दिन फोन पे बड़ा फैंटम बन रहा था, कहाँ मिलेगा ससुरा? चलो फील्डिंग लगाते हैं। साला कैसा उल्टा जमाना आ गया है, पहले रिक्शा लूटो और फिर रिक्शा पर बैठ के जीप को लूटो, पर एक मोटरसाइकिल मिल जाता तो बिटवा पुष्पा का सब मन पसंद हो जाता है। ए बड़ो तुम्हारी मोटरसाइकिल चलाने की नहीं, मोटरसाइकिल के नीचे आने की उम्र है। चंद्रभान। हाँ बाबू। कहाँ है रोड़वा छिका के बैठा है रे? हाँ ऐसे मन किया क्या सड़क पर बैठ कर खेला जाए? रम्मी खेल रहे हैं भाई। चूतिया समझ के रखा है का? चल निकल ले। कहाँ है गरमा रहे हो बाबू? आओ यहाँ यहाँ बैठो, आओ एक एक हाथ हो जाए, आओ बैठो। फोनवा में समझाया समझे नहीं का? चल निकल बे चल। अरे भैया छोटे भाई हैं आपके, भैया बोल रहे बैठिए। निकल खेल लीजिए बैठ के। डिपर यार रहे थे साला, अभी डिपर जाओ। अरे बेटा साला हमको चमका। अरे भैया पेट्रोल है कि नहीं उसमें? पैर पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना भैया? ले पकड़ चंद्रभान, तू हमको अभी जानता नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा। साला तुमको कि भैया का मिशन रोकना मत साला। अरे जल्दी कर, टिंकलिया का नाच छूट जाएगा। इसकी माँ का चलो बुलावा आया है, टुंकलिया ने बुलाया है।
राख भरी इस चूल्हे में कोई आग लगाने वाला हो, वो मर्द हो दिलदार चाहे सिंगल हो घर वाला। कमीनी रसीली चक्के का ही काम करना है क्या? अरे चोरी करना है तो बड़ा करो। कब तक बिल्ली मारोगे बे? शेर मारने का काम दे रहे हैं क्या समझे? तो क्या चाहता है, कल से मंदिर में गीता पढ़ाने लग जाए? काम क्या है? वो तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दे कि तनिको लहरा एक बहुत भारी ब्लंडर हो जाएगा। मिस्टेक का कोनो स्कोप नहीं है। कहे कि अगर शेर बच गए क्या समझे? Thank
चारा चोर बड़ा जोर सारा बधाना लूटा हो रहा। भर दो फुल्लम फुल भर दो है भैया। कभी तो एक पैक लाके बोलो भैया। अरे भैया कब तक एक ही पैक में अटके रहोगे? कभी तो एक पैक से आगे बढ़ो। पीले नहीं था दारू बुरा। अरे चंद्रभान, अरे पीले भाई पीले ना, आज तो पीले। अरे हम तो साला दबा के पिएंगे। पुष्पा से दूर दूर जा रहे हैं हम, पता नहीं साला कब लौटेंगे अब। ये भाई मतलब काम होने के बाद पैसा वैसा मिलेगा तो फिर हम देसी वैसी नहीं पिएंगे भैया। देखो हम पिएंगे टोटल अंग्रेजी, वो ठाकुर साहब जो पीते हैं काला कुत्ता बोल के का। चला अब देखो फिर भैया एक काम कीजिएगा, हम बारात लेकर पुष्पा के घर जाएंगे है? और उसको डोली में बैठा कर घर लेकर आएंगे और फिर उसका घूंघट उठाएंगे। साला तुम लोग दबा के बौरा के डांस करोगे तो नहीं करोगे? अरे अभी तो हाथ में जाम है। अरे तेरी माँ कितना काम है। कभी ये काम इतना आसान नहीं है। ए भैया अपना क्या बनी तो बनी नहीं तो साला गली। अरे ए अब्दुल कौन है भाई? अरे सो गया? कहाँ हुआ भैया? कुछ नहीं। लोड में लग रहे हो? अरे छोड़िए ना भैया, बस एक बार का सवाल है, हम सबकी जिंदगी बन जाएगी। अरे हम बस इसलिए जीत कर रहे थे। ये पूर्णिया नहीं है, यही तो चिंता है हमको। मुंबई शहर है, यहाँ की पुलिस भी बड़ी सतर्क है। तुमसे हम कह रहे थे, तुम अपनी जिद पर रहते हो ना। चलो ठीक है, तुम और मैं रहते तो सबको संभाल लेते, साला दौड़ के निकल जाते गेम बजा के। मैं को आ रहा है, बिटवा साथ है, हमको इनकी चिंता है यार। इन दोनों के बिना हम रह भी तो नहीं सकते ना भैया। भैया काका बच्चों ने बताया थे ना कि एक लकड़ी को तो टूट जाती है पर गठरी को तो नहीं टूटती। हम चारों साथ है ना भैया, तो साला काम होगा कैसे नहीं। बस हम चारों साथ होने चाहिए। बिल क्लिंटन के यहां चोरी कर लेंगे, बस एक बार मेरी बात मान लीजिए। समझ रहा है यार, लेकिन साला ये मुंबई शहर बहुत बड़ा शहर। कुछ देर उन अनजाने रास्तों पे चलने के बाद उन्हें पता चला कि मंजिल वहीं बैठे उनका इंतजार कर रही थी। अरे कोई लेने नहीं आया यार। चलो लखनऊ के पप्पा की बेटी की शादी में आए, कोई लेने नहीं आया। पगला गया बड़ो। चलो क्या कर रहे हो यार, डल रहे हैं ना, उतरते ही मूड खराब कर रहे हो यार। अरे भैया दिखाओ ये बंदर। चल अरे इसकी माँ का देखो, खुले में सबके सामने। अरे हम तो साला खेत में जाते थे। कमाल है यार, कैसा शहर है बे। अरे फंस जाते कहे हो यार, अरे जूता पॉलिश करना है तो उधर बैठ के करो ना अपनी जगह पे। खामखा मुंबई उतरते ही मूड बनवा दिए। आपका पोस्टर फाड़ के अंदर घुस जाओगे हैं? चलो तुम्हारा भी बुढ़ापे में बहुत फन बनाता है। अरे देख ही तो रहे हैं यार, बताओ कितना गंदा करते हैं साले। अंधे लौड़े फौज में दो पगला गए हैं साले। आप क्या कर रहे हैं भैया? कुछ नहीं, बस ये अमृता बोला था कि स्टेशन के बाहर गली पे खड़े रहना, फोन करेगा। कैसे बाहर? अरे बाहर तो चलिए, बाहर जाएंगे तो फोन करेगा वो, यहीं से फोन करेगा। चलिए
चल। अरे चलो यार, चलो। कब से कह रहे हैं, चलो। कब से मांग रहे हैं, हम खड़े थे वहां पर और खुद आगे से देख रहा है, हम पीछे खड़ा। अरे क्या क्या है, चल तो रहे हैं। काका साइड, पीछे मत देखो, चलो सामने। एक्सक्यूज मी, योर टिकट प्लीज। हमारा भी इसी में। हाँ ठीक है। क्या सोच रहे हैं, चलिए। हाँ चल तो रहे। अरे इसकी माँ, नमस्कार। वाह रे मुंबई शहर। ए चल रे भैया, भीड़ तो देखो, सामान रख के मेले में भी इतना भीड़ नहीं होता। अब बकचोदी बंद करो साले। तू भी आईडी प्रूफ दिखा। काका ये आईडी प्रूफ दिखा। उका होता है। अरे भैया हट। एसीबी क्राइम ब्रांच, चूतिया समझेगा पुलिस को। हाँ कह रहे किधर चोरी करने का प्लान है, बोलो। हाँ बोलो सर। हाँ मिल गए, चारों मिल गए। हाँ इधर ही ठोक दो क्या चारों को। मुंबई का भीड़ भी कम हो जाएगा, प्रमोशन भी मिल जाएगा। वैसे भी चिरगुट लोग जी के क्या करेंगे सर। सर ऐसे गोली मार रहे हैं, हम मार रहे हैं भैया, तू बेचारा गोली मार रहे हैं। अरे गजब हो गया सरकार, हमको तो लग रहा कोई बहुत भारी ब्लंडर हो गया। वहाँ के पुलिस को लौंडों के बारे में कैसे पता चल गया। रे ना मत हाफ, ससुरा फेफड़ा बाहर आ जाएगा। अरे ससुर इधर गोटा का बाल हो गया। और आपने के हलाली देन से पहले लबत जांचनी पड़ो है। छोरन ने कुछ ना होगा, मारा आदमी था यो। चेक कर रहा था कदी गांड में कुद्दा है भी करनी। अरे मालिक तुमरा ये कूदा चेक करने का आदत किसी दिन हमारी चमड़ी उतरवा के रहेगी, बता रहे आपको। कल हम खुद मुंबई आ रहे हैं, आके बात करते हैं। तब तक कृपा करके रहम करके हमारे पिछवाड़े में तीतर बोना बंद कीजिए आप। छोड़ते हैं अभी, कूदा चेक कर रहे थे पता ही सर। अरे यार कहां इतना टेंशन आ रहे हो, हैं? जब हनुमंतवा बोला फोन पर किसका आदमी आ जाएगा तो उसका आदमी आ जाएगा, कहां इतना टेंशन कर रहे हो, हैं? अरे कहने का कोई जरूरत नहीं है, दो ही तो काम है इनके, एक टेंशन लेना और दूसरा टेंशन देना। का सही तो कह रहा है। अरे काहे मुंह फुलाए बैठे हो, का हो गया सड़क रो, आसमान थोड़ी टूट गया, पकड़ा गए बड़ो। लंबा जिएगा, वो आ गया। आइए भैया आइए। ओहो दामाद जैसा सेवा हो रहा है, बिना मंगाए चाय। अब का भगवान से मिलोगे बुढ़ऊ, हैं? बुढ़ऊ के लिए अखबार भी। हां ओ लड़ऊ, पढ़ना उड़ना आता है कि ऐसे अखबार मार की तरह ले लिया। अरे हट पड़, साला सातवीं पास क्या कर लिया, हमें चौदना सिखा रहे हो तुम। और सातवीं भी हम ही पास करवाए थे सरकारी स्कूल में, साला लौंडिया नहीं छेड़े होते तो दसवीं पास करवा देते वही के वही। बात करता है। अब देखो तीसरी कक्षा में हम पांच बार यानी कि पांच साल रहे, तो इस हिसाब से पांच और कितना हुआ, छह सात आठ, आठवीं पास हुए कि नहीं। अरे वाह। हाँ तो फिर साला हमारे बाबूजी हमारी नींव मजबूत करना चाहते थे, अब ससुर नींव तो मजबूत हुई नहीं, हम ही तीसरी कक्षा में मजबूत हो गए। सलामी। अरे पागल हो गए हो क्या,
अरे इज्जत दिल में होना चाहिए, मुंह से बोल दो सलाम, बस हो गया। ए बुढ़ाऊ, सलामी तुमको नहीं, तुम्हारे बाबूजी के कहने देखो, जो तुमको एक ही कक्षा में 5 बार झेल गए बुढ़ाऊ। तुम्हें तो साला अटका था, आज तुमको खूंटी पे ना अटकाया तो हम इधर बुढ़ाऊ है हम। ऐसा बोल बोल बोल, हम बुढ़ाऊ है, बुढ़ा बोल रहे हमको। पुष्पा भाभी अभी तक लाइन देती है हमको, मनोटन समझे। भाई ने भेजा है। अरे नमस्कार, कितना प्यारा बच्चा है, है? दिखने में भी भरा पूरा लगता है, पर तुम्हारे बाबूजी को कोई और नाम नहीं मिला? नहीं मतलब कुछ भी रख देते, पप्पू टप्पू नुन्नू लुरिया, कितने नाम हैं, पर एक ही कोई नाम हुआ भेदेला। ए, दिमाग का दही मत कर, तौसिफ नाम है मेरा, तौसिफ, समझा। तुम लोग के वास्ते भाई ने घोड़ा भेजेला है। ए बिटवा, ए चल उठ उठ, ए चल चलते हैं भाई। चलिए। अरे लमलेट बौरा गया है ससुरा, अरे इतना बड़ा काम घोड़ा पे बैठ के करना पड़ेगा है? अरे हम काम करेंगे कि घोड़ा चलाएंगे? देखो भाई, एक टाइम पे एक ही काम हो पाएगा, या तो काम करेंगे या घोड़ा चलाएंगे, और नहीं तो काम हम करेंगे घोड़ा तुम चलाना, और घोड़ा हमसे चलवाना हो तो फिर काम तुम खुद ही कर लो। ए बाबा चुप, 2 मिनट के लिए मुंह बंद रख, घोड़ा का मतलब ये घोड़ा, ये घोड़ा, समझा? घोड़ा जेब में पकड़ 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 पकड़। अरे बुढ़ाऊ, 2 मिनट मुंह में निप्पल डाल के बैठा रहो यार। अरे पर निप्पल है कहाँ? अरे जब भैया बात कर रहे हैं यार, बीच में बोलता रहता है। अरे समझाओ इसको यार। देखो भाई, अगर आप लोग बोल रहे हो तो हम चुप बैठते हैं, वरना पुष्पा कैसे बोलने का मन बहुत कर रहा है हमरा। चलो तुम सब, माचिस है क्या किसी के पास? आओ यार तुम, चलो गमछा ले लो। साला इतना बड़ा मुंबई में रहता है और माचिस तक नहीं रखता इसकी माँ का। चल बड़ों की तरफ बीड़ी माचिस लेने गए हैं। ये है मुंबई के खुफिया लोगों का अड्डा। क्या तौसिफ भाई, क्या बन गया? अरे तो मस्त, ये अपन के पंटर लोग हैं। छक्का पंटर, अब पके भाई, चलो है ना, चल 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 चल, गेम चालू रख। क्या फिल्टर पुजारी सेट, हाँ। यस साला, आमची मुंबई। अपन यहाँ पे ना राज करता है, समझा क्या? तौसिफ भाई, सामान तो तैयार है, लेकिन ये 3 नमूने कौन है? इन लोगों के वास्ते सामान चाहिए, समझा क्या? ये ले। कभी पकड़ा है क्या हाथ में? तुम कभी ना पकड़े मुझ लेते हो हैं? अरे इसको हम लोग चोटी लग रहे हैं का? फालतू बकायदी चुतना बंद करोगे, बताओगे ठोकना कब है? आज ठोकने का है। क्या है, लास्ट टाइम पे कोई सीन शॉट होना नहीं मांगता, इसलिए बोला, समझा क्या? सियासती अंगार मुतरेला है, कभी चलाया क्या? ए, साला येड़ा है क्या? कमाल है, क्या बात है, कमाल। कमाल है, नापचिक, एकदम नापचिक। ए, आज गन पॉइंट 2 करेगा, समझा क्या? बाद बाकी के ये लोग ना तेरा बैकअप करेंगे, समझा? ए, लड़न समझाओ काम को, कोनो बंसी बजाने आए, मर्डर ही तो करना है, कोनो चील का पिसाब ढूंढना है, गोली हम भी चलाएंगे। ए सुन रे, ये हमारा छोटा भाई है, साला गोली हम चलाते ना तो गोली ही हो चलाता है, गोली ये भी चलाएगा, ठीक है? कुछ समझा? समझा यार, कोई भी गोली चलाए क्या है, अपन को निशाना लगने से मतलब है, समझा क्या? चला जा, चलो चल भाई लोग, चलो भैया, चले भाई, मजा आ गया आज तो। ए, भाव, बहुत हो गया टाइम पास, अभी थोड़ी देर में पार्टी आने वाली है। पार्टी? उसको ठोकते ही 8 लाख तुम्हारे। क्यों अटका भाई? ये अटका, तू पीछे से बैकअप देना, समझा? हमको सब पता है क्या करना है मुझको, समझा मत मुझको। अब
Finally done. Last practical भी अच्छा हुआ. हो गया. अच्छा, we meet in the vacations ना? I don't think so. Why? आगे. कहाँ? मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा हूँ. वो पुलिस कट वाली. Okay done. Okay. No problem. ठोको. भैया, भैया ठोको. अबे मारना. भैया ठोको. भैया भागो. इसकी अबे साले ठोका क्यों नहीं? साला अचानक की भयानक में चढ़ाई साला हाथ हिल गया. अबे तो ये क्या, वहाँ पे अपनी मैया चुरा रहा था. सर चोर, भैया से कुछ मत कहना. वरना एक बटन अभी किया है तो सभी कर देंगे. और लौंडिया चाहिए ना तो कल ठोक देंगे. आप ज्यादा बकचोदी करना बंद करो, समझा? चल. अभी अभी मिली खबर के अनुसार ठाकुर मेडिकल कॉलेज के बाहर एक शूट आउट में कॉलेज का वॉचमैन मारा. हाय सृष्टि. हाउ वाज योर डे? पुलिस का कहना है. What are you watching? अरे ये कब हो गया? ये तो मेरे कॉलेज के वॉचमैन है. पापा, मैं अभी वहीं से आई हूँ. कितने अच्छे आदमी थे वो. सृष्टि, तुम चेंज करो, जा. Go. हेलो. हाँ, ब्रेकिंग न्यूज तो मिल गई होगी. शूटआउट में कॉलेज का वॉचमैन मारा गया. अब शॉकिंग न्यूज सुन. टारगेट वॉचमैन नहीं, थारी लौंडिया थी. ए रणा! ए, आवाज ऊंची ना कर. तेरे चैनल की आवाज जितनी नीची रहेगी, तू और तेरे खानदान की जिंदगी उतनी लंबी होगी. इसे हमारी धमकी नहीं, हमारी एडवाइस समझ. बड़ी प्यारी है तारी लौंडिया. मुझे धमकी दे रहा है. लगता है तेरा आज तक किसी शेर दिल मराठा से पाला नहीं पड़ा है. मेरी आवाज नीची होगी और ना मेरे चैनल की, समझा? शेर जब दहाड़ता है ना तो उसकी आवाज हमेशा बुलंद होती है. हमें अपनी हिफाजत करना आता है. पहले तू अपने आप को बचा. ठसण के बाद मालूम पड़े सड़िया किन्ना गर्म था. क्या हुआ? हाँ, अबे नसीब अच्छा है तुम लोगों का. हाँ, कि अपन के भाई के लिए काम कर रहा है, क्या समझा? भाई ने बोला है टेंशन नहीं लेने का, मूड फ्रेश करने का. अब आगे क्या करने का है वो भाई बाद में समझाएगा. समझा क्या? मुंबई देखेगा, मुंबई झक्कास मुंबई. जीना है तो ठोक डाल, जीना है तो ठोक डाल.
लगा आग पानी। कमाल है ये मुद्दा। सही है सही है। अरे सही नहीं है भाई, भैया लोड ले लिए पूरा अपने ऊपर और हमको देखो साला इधर में ये क्या? अरे मौसमी का जूस पी रहे क्या इधर यार ये? यस अरे समझ में कोई सुनता भी तो नहीं है। सब लल्लो चप्पल कमाल है बुढ़ो मौसमी का जूस क्या? अरे आओ यार पप्पी थोड़ी ना मांग रहे तुम भी। देखो कुछ देसी फैंसी का इंतजाम करो ना, बहुत तो गला सूख रहा हम है। तू जा 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 जा, जा। उसको भी भेज दिया भाई, तुम करो ना यार इंतजाम कुछ, वो भी और वो भी। ए ब्रो तेरे लिए मैं भी देसी का भी इंतजाम करता हूँ और इसका भी करता हूँ जुगाड़। ए पकिया, अरे भाई तो पकिया, अरे जगह कौन सा? यहीं पे, यहीं यहाँ सबके सब। भाई देखो यार क्या जमाना आ गया यार, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या क्या हुआ भैया? गोली काहे नहीं चलाए? लौंडिया को देखते ही रह गए, इतनी खूबसूरत लग गई कार। यार कुछ समझ में नहीं आया हमको, उसको देखे तो हम बस एकटक देखते ही रह गए। साला दिमागी काम करना बंद कर दिया, वो तो तुम ठीक वक्त पर गोली नहीं ठोकते तो साला इज्जत का कचरा हो जाता। भैया साला आपके पीछे तो हम हमेशा सही है, और हमरे रहते आपकी इज्जत को कभी बट्टा नहीं लग सकता। भैया को हमसे पहले ही चढ़ गई, बहुत प्यार करते हैं भैया से। अरे बहुत प्यार करते हैं हम बहुत नफरत करते हैं सालों तुम तीनों से। हट क्या देसी मंगवाए थे, कब से देसी नहीं ला रही है वो बिट्टिया मेरी। ए मैकू साला तुम ना रहते तो ना ये रहता, ना ये रहता, ना मैं रहता, तो अस्तित्व क्या रहता? साला गोली ठोकते नहीं तो जेल में सड़ते। ऐसे माँ का सड़ते कैसे? ऐसे मेरी बेटी को इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि तुमने पुलिस उसकी सिक्योरिटी के लिए लगा रखी। आप टेंशन मत लीजिए, वो किसी को नहीं पहचानेगी। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी आम लड़कियों की तरह जिए, पहले उसकी मां नहीं है और फिर उसे यह भी पता है कि उसके बाप को जान से मारने की धमकी मिली हुई है। ये तो अच्छा है कि कॉलेज बंद है और वो घर में ही रहेगी। मैंने अपने सारे पुराने नौकरों की छुट्टी कर दी है क्योंकि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। आप बस इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी पुलिस वाला वर्दी में नहीं होना चाहिए। वर्दी में तो तब होंगे जब वो पुलिस वाले होंगे। क्या मतलब? आपकी बेटी की सिक्योरिटी के लिए मेरे पास चार लोग हैं, पुलिस वाले नहीं है, इसलिए कोई भी उन पर शक नहीं करेगा। आप बस अपनी बेटी को इतना बता दीजिए कि घर में चार नए लोग रखे काम करने के लिए। क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? ऑफ कोर्स। जरूरत पड़ने पर क्या मेरी बेटी अकेली उनके साथ रह सकती है? हाँ सर। सर आप मुझ पर भरोसा करते हैं कि नहीं? यस यस। तुम लोग को यहां काम करने का है या अपने पास रखो?
तुम लड़की के साथ रहना और ठोकना ऐसे वक्त में जब लड़की अकेली हो। अटका भाई, ये पिस्टल और ये साइलेंसर, मौका मिलते ही साइलेंसर लगा के ठोक देना, समझा क्या? और काम खत्म होते ही सीधा लॉज में, वहां पे तुम्हारे बिहार का टिकट और पैसा दोनों, फिर तो तुम और तुम्हारे 8 लाख रुपए, समझा क्या? भाई अंदर में तुम्हें दूसरा आदमी मिलेगा, मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया, वो तुम्हें अंदर में सब समझा देगा, समझा क्या? ठीक है ना भाई? ठीक है, काम होने के बाद वो, हाँ वो करते हैं ना, सामान निकाल लेना। जी किससे मिलना है? जी मिस्टर पवार हैं, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। अच्छा आइए, चलो भैया चलो। पापा पापा, कोई आया है आपसे मिलने? क्या नाम है आप लोगों का? हम महकू हैं। बिटुआ। अटका। चंद्रभान। सृष्टि बेटा। जी। पुराने नौकरों की जगह आज से ये लोग हमारे घर में काम करेंगे, तुम्हारी देखरेख करेंगे, ठीक है ना बेटा? जी पापा। काम मालूम है ना? हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ मालूम है, मालूम है, मालूम है ना? काम मालूम है हाँ? हो सके तो आज दिन में इस लड़की का गेम बजा दो। मैं पवार को लेकर बाहर निकलता हूं, अब जो मिलेगा ना वो 8 लाख के ऊपर का बोनस है। और याद रखना, तुम्हारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर तुम्हें लड़की को मारकर निकलना है, पवार के सामने नहीं। ऑलरेडी एक मिसफायर कर चुके तुम लोग। आप लोगों का एडवांस, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी लेकिन शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी धन्यवाद। सृष्टि बेटा जी, इन लोगों को घर दिखा दो। ओके आइए। पानी लेंगे? वाह, खाना खिलाया जा रहा है, वेरी गुड। अच्छा है, दोस्ती हो जाएगी तो तुम्हें भी एडजस्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा बेटा, हॉस्पिटल से तेरी दादी को लेकर आता हूँ। हाँ पापा। अपना ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना जी, सिर्फ 10 मिनट। ओके बाय पापा। बाय बाय, चलें एसीपी। ओके मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप लोग खाना खा के जी वो उस वाले रूम में रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? जी अच्छा बाय। कमाल की मैं सोच रहे हैं भैया, लौंडिया मत देखिए, हमको तो 8.5 लाख दिख रहा है। बंदूक दो अपनी। क्या बात है भैया, दो दो बंदूक से शिकार? साला 2 मिनट के लिए हमको लगा कि भैया लौंडिया को देख कर फिसल गए, पर अब नहीं। भैया
माल तो साली जबराहट है, मक्खन है, हाथ लगाते पिघल जाएगी। पिघलने से पहले हाथ लगा लें कहा? बकरचोदी बंद करो। क्या इशारा करके गया? हमें मारना है, मारने आए हैं। बुढ़िया आ जाएगी, उसके बाद मार नहीं पाएंगे। अरे टेंशन काहे ले रहे हैं, बुढ़िया के आने से पहले दोनों काम हो जाएगा। और आप बड़े हैं, पहला अधिकार आपका बनता है। ले पप्पू, दे गीता। केक कटेगा, सब में बटेगा। अगर चुदी बंद करोगे तुम, हम पेशाब करने जा रहे हैं, आके मार देंगे। पहली बार काम करने से पहले मुंह उतार रही है आपको? बुढ़िया के आने का वेट कर रहे हैं का? ऐसा तो नहीं कि मेरा भैया उठा 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 मेरे ससुर मुक्त के सो गया? औकात मेरा हटका, औकात मेरा हो तुम, समझाओ मैं को इसको। अरे मूतरे में भी गणित ढूंढ रहा है, क्या करें इसका? मार दो मार दो। ये दरवाजा खोलो। अरे लौंडिया हट से निकल जाएगी, जल्दी चलो। अरे सोच कर रहा है, मौका दोबारा नहीं मिला, जल्दी चलो। अरे जल्दी चलिए ना। गोली चलाइए भैया, मार दी गोली। अरे गोली चलाइए जल्दी से, अरे पगला गए, देख कर रहे हैं, गोली चलाइए। भैया मारिए गोली, सबकी जिंदगी बदल गई भैया, मारिए गोली। आई मतलब आई साली बच गई। अरे पगला गए आप, समझ में आया कि तभी से कैसेट का ए और बी साइड साथ साथ क्यों बजा रहे थे। सही कहते हैं कि लौंडा जब शीशा ज्यादा देखने लगे ना तो समझ जाओ कि नई नई चांटे आ रही है। अटका अटका, ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, सृष्टि की सिक्योरिटी के लिए। मैं एक मिनट में आया। ये क्या किया, क्या है ये सब? जी वो समंदर की लहरों में नमी बहुत ज्यादा होती है, अच्छे अच्छे लोग जंग खा जाते हैं। बस चेक कर रहे थे कि हमारे हथियार में जंग तो नहीं लग गया। वो गलती से आपका गुलदस्ता टूट गया, हमारे पगार में से काट लीजिएगा। हम माफी चाहते हैं इस बात के लिए। उसूल वाले बनते हो, आगे से याद रखना, इस घर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहां तुम किस लिए आए हो ये सिर्फ मैं जानता हूं। मेरी बेटी को शक नहीं होना चाहिए जी, यहां तक कि अगर सिगरेट पीनी है ना तो अपने कमरे में जहां तुम रहने वाले हो, मेरी बेटी के सामने नहीं। खाने खा सकते हैं जी? अब सुरतिया नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पिछवाड़े में। सृष्टि जी पापा आई, दो मिनट। चलो तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ जी। और तुम्हारे पिछवाड़े में चलो यार, अब चल नहीं है क्या? दादी ओह दादी, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। अरे रे रे। पापा तो फुल टाइम काम में बिजी रहते हैं, मैं अकेले घर में बोर हो जाती थी। अब आप आ गए हो ना,
हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। हाँ। और मुझे ना आपके साथ बहुत सारी मूवीज देखनी है। जरूर जरूर। ये तुम लोगों का कमरा है? जी हाँ। सृष्टि मेरी जिंदगी है जी, इस घर की शान है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि तुम उसकी हिफाजत पूरी ईमानदारी से करोगे। जी हुँ? जी ये रही जाबे, खाना खाने के लिए तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा। जी अब भूख लगेगा तो। ठीक है। धन्यवाद। अच्छा किया जो तू खुद आ गया हनुमंत। हाँ, और अब आपको फिकर करने का कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाइए आप। हाँ? मैं कोई बालक दिखे हो के मौका मिला नहीं लॉलीपॉप दे दी। अरे आप मैटर तो बताइए। ले रामायण पढ़ ली, ससुरा अब पूछ रहा है कि सीता किसकी उड़गाई थी। ये साड़ा पवार रोज टीवी पे दिखाता है हमारी प्रॉपर्टी, हमारे पीछे पड़ा है साड़ा। मैं सरकार को टैक्स नहीं देता, मैं टैक्स नहीं भरता, रे क्यों तू मेरे पाप का है? कोई रंडी नेता की थोड़ी नकमा है, हथियार बेचता हूं वो भी अपने कलेजे पे। आप शांत हो जाइए, काम हो जाएगा। घंटा कॉलेज के बाहर नहीं ठोका रे, जब किड्डे गांड में बलबला रहे हो ना तो दांत मांझने से कुछ नहीं होता। पता कर के सीन है, उन्हें बुलाया क्यों था? इसलिए कि मुंबई के छोरे ये काम करेंगे तो बवाड़ हो जाएगा। साड़े अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुझे कुछ कुछ करना पड़ेगा। नहीं साहब, पैसा लिए हैं आपसे, काम तो यही लौंडे करके देंगे आपको, वो भी फास्ट। आप थोड़ा सा ठंडा रहिए, जब तक ये मैटर ठंडा नहीं हो जाता बस। पर्चा लगाते हो चंद्रभान को फोन। हनुमंता का फोन, बात कर। हेलो, का चंद्रभान? क्या बोले थे तुमसे? हैं? मिस्टेक का कोनो स्कोप नहीं है, पार्टी से एडवांस ले चुके हैं। इस बार अगर गलती हुआ तो कलेजा निकाल के मटन का दुकान पे टांग देंगे, बता रहे हैं कसम से। दरोगा जी जानते हैं गलती हो गया, कॉलेज में निशाना चूक गया, अब फिर घर में ठोकने वाले थे तो वो पवार खुद आ गया। अरे हरामखोर साला, सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हो क्या? हैं? किस सीढ़ी पकड़ने वाले थे, गैन मौके पे आके सांप निकल गया। हमको तो लग रहा है कि हमसे गलती हो गया, आदमी चुनने में। आप भी समझने की कोशिश कीजिए ना, आप ही ने तो बोला था कि छोकरिया को बाप के सामने नहीं मारना, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है। अपनी गलती के लिए माफी चाहते हैं। ए चंद्रभान, कपार में डाले रखना, तुम्हारा बहुत सारा कंप्लेंट है हमारे पास। इसके बाद अगर माफी मांगनी पड़े तो सीधा भेज देंगे ब्रह्मा जी के पास, उनके पास जाके मांग लेना माफी, थोड़ा अपने लिए और थोड़ा बहुत हमारे लिए भी। क्या समझे? छोड़ते हैं। लाज बटते जादव, सब कुछ जानते हुए भी राणा के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैडम वो मुंबई से कम ऑपरेट करता है और अपना काम करवाने के लिए आदमी लाता है यूपी बिहार से, हर जगह पैसे उसका, हरियाणा राजस्थान, अपने डिपार्टमेंट में भी उसकी ऊपर तक पहुंचे। एनकाउंटर एक का छुपा है। यस यादव, समटाइम्स वी हैव टू वर्क एज इंसेक्टिसाइड्स, देयर इज नो वे आउट। लेकिन मैडम मीडिया, उसको भी तो जवाब देना पड़ता है। मीडिया का क्या? नहीं, ये न्यूज़ दिखाकर मीडिया पैसे कमाएगी? कमाने दो, मीडिया को अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हम इस तरह से काम करते रहेंगे, फिर चाहे मीडिया उस पर से पैसे क्यों न कमा ले।
चिंता नहीं करायची ज्यादा। आपने क्या बोला, राणा यूपी बिहार से लड़के बुलवाकर क्राइम करवाता है, हम यूपी बिहार से पुलिस बुलवाकर राणा को खत्म कर देंगे, सिंपल। टेक्निकली इज अ व्हाइट कॉलर गाय, ब्लैक होता ना तो भी चलता, बट आई डोंट लाइक दिस ग्रे, आई हेट ग्रे। वैसे बिहार से पुलिस मंगवा ली है मैंने, फिर देखते हैं जो होगा। कॉफी ज्यादा हो या ठंडो ही? अरे यार काहे काहे मुंह फुलाए बैठे हो दोनों यार, क्या बात है? अरे हम मुंह फुलाए बैठे हैं, जो टेंशन इनको हो रही है इसकी जिम्मेदारी खुद ही है। अरे काहे ठोके लौंडिया को? हाँ यार बात करते हैं, काहे नहीं ठोके तुम है? अभी तक हम बिहार के ट्रेन में होते, 800,000 हमारी जेब में होते, और फिर थोड़ा पुष्पा का भी तो ख्याल करो। चंद्रपान भैया एक बात बताओ यार, हुआ क्या है? हैं? साला लक्ष्मी चलकर तुम्हारे पास खुद आ रही थी और तुम कह दिए ससुराल बिजी है, क्या बात है यार? अरे नहीं मार पाए यार, पता नहीं साला फायर ही नहीं हुआ। सच कहें तो एक क्षण के लिए हम डर ही गए थे, शायद मारेंगे, उसका पापा आ जाएगा, पता नहीं क्यों ऐसे वो वहां से निकल नहीं पाएंगे। अब हमारे जान की चिंता होती तो बात कुछ और थी, चारों की जान की बात थी, बस नहीं मार पाए। ये बात पहले नहीं कह सकते थे? तुम सुनने के लिए तैयार थे? गोली नहीं चली तो हमको फर्जी डाउट हो गया कि भैया फिसल गए। अरे छोड़ो यार, तुम तो सारा जब देखो फिसल गए फिसल गए। अरे कुछ अच्छा बोला करो, मुंह में बवासीर जमा लिए हो का? बेकार में फालतू में भैया को बेचा। क्या हो रहा है जी? बातें कर रहे थे। वहां सृष्टि किचन में काम कर रही है और आप लोग यहां आराम से बातें कर रहे हैं। जाओ उसके इर्द गिर्द काम करते हुए दिखाई दो जी, उसे ये लगना चाहिए कि तुम इस घर में काम करने के लिए आए हो, काम। और याद रखना कि दोबारा मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। जी हम कहीं नहीं जा रहे, हम सो रहे हैं। अरे क्या बोल के गए, सुने कि नहीं तुम लोग? अरे यार हम तो यार अच्छी भली सुरती खा रहे थे कि प्रेशर बन जाए साला, अब ये बुलाने आ गए। जब से मुंबई आए मां कसम ढंग से हद भी नहीं पा रहे हैं। तुम जाओ, हम जा रहे हैं। जाओ। तो साला बाथरूम में पत्थर का कटोरा रखा है, उस पर कुछ होता नहीं है। सृष्टि जी मैं चंद्रभान चंदू, मेरे लायक कोई काम मैं आपकी मदद करूं? बताओ अब आ रहे हो जब सब काम खत्म हो गया? अरे इतने सीरियस क्यों, मैं मजाक कर रही थी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अगर होगा तो मैं बुला लूंगी, ठीक है? एक्चुअली चंदू जी, जी। मुझे थोड़ा हेल्प कर दो सैलेड काटने में। गाजर? हाँ। आप कुक नहीं हो जी? मुझे पता है आप कुक नहीं हो। दरअसल मैं आपसे एक सच्चाई कहते हैं जी, वो ठंडा पानी लेने आए हैं। हाँ फ्रिज में है, निकाल लीजिए। अरे एक मिनट, दिलचट्टे से आप इतना डर गई? दिलचट्टा? व्हाट दिलचट्टा? ये कॉकरोच है, फ्लाइंग कॉकरोच। बचपन से मुझे सबसे ज्यादा डर कॉकरोच से लगता है।
Why are you laughing? नहीं बस ऐसे ही झिंगूर से डर गई आप. मुझे पता है आप कुक नहीं हो, आपकी बीवी खाना बनाती होगी घर में. मेरी शादी नहीं हुई. What? आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? नहीं. अच्छा एक्चुअली मुझे मॉल जाना है कल, आप मेरे साथ चलोगे? आप गाड़ी चला लेते हो? हाँ चला लेता हूँ. हाँ ठीक है, तो मैं आपको मॉल भी दिखा दूंगी. मॉल क्या क्या होता? मैं दिखाऊंगी. अच्छा, ठीक है कल सुबह. हाँ. ससुर कितना काम कर रहा है आज. क्या कर्म करा, क्या बात है. खाना वाना आ गया. अरे अगर कुछ लेना हो तो आप लोग इसमें से ले लेना. जी 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 बिल्कुल. चंदू जी मैं देती हूँ. अरे आप भी छुड़ी ना, हम ले लेते हैं. आप रहने दीजिए, आप क्यों तकलीफ कर रही. चंदू जी ने आप चंदू कह सकती हैं. कुंडली बाद में बनवा लेना, पहले खाना खा लेते हैं. क्या कहा आपने? मैंने आप रखिए नाम, कोनो बात नहीं. चंद्रकांता कैसा रहेगा जी? चलो चलो, महकू से तो अच्छा नाम है. महकू ये नाम हमारी बहन ने दिया था जब हम छोटे थे, तो एक बार हम बिस्तर में ही कर दिए थे. तो हमारी बहन बोली है मैया बबुआ महकत है, और ससुर तब से हम महकू हो गए. ओके महकू जी, ये सैलेड ले लीजिए. ये घास पत्ता? घास पत्ता ये खाने से बॉडी से एसिडिक वेस्ट क्लीन होता है और बॉडी के अंदर नए सेल्स और टिश्यूज फॉर्म होते हैं जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है. समझे काका? की और समझाऊं? समझ. बांस ले ली. वो भी छिला हुआ. नहीं, साला सही कहते हैं, पढ़ लिख के आदमी बौरा जाता है. हमें अटका एक बात बताओ, इस साला बॉडी में एसिड और ये सेल कैसे घुस सकता है? क्या बोल रही है? काम करो, हम चाहे साला फंस जाए और चाहे तो हमारा पैसा भी मत दो, पर इस ससुरी को ठोक डालो अब भी क्या. ससुरी बहुत दिमाग खराब करती है यार. अच्छा आपको याद है ना आज मॉल जाने वाले हैं? ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन. आया बगलंडू, ओ टेंशन का औलाद. वो तो गली 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 गुन अरे बंद कर गाने लगी. महलों में पली. आप रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होके आती हूँ.
बन के जोगन चली। बाय। मेरा रानी दीवानी कहानी बनाने लगी। चाय पीजिए मालिक, अपने हाथ से बनाए हैं। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। राम राम बिटिया। चाय पी। पापा जल्दी से अपना क्रेडिट कार्ड दो, मैं आज बहुत सारी शॉपिंग करने जा रही हूँ। अरे अभी तो शॉपिंग की थी तुमने। अरे दे दो ना, एक ही तो बेटी है तुम्हारी। थैंक यू पापा। अपना ख्याल रखना। यू आर द बेस्ट। कौन साथ में जा रहा है? और चंदू के साथ। प्रणाम सर। अटका को भी लेके जाओ। जी जी, हम तो सुबह से तैयार बैठे। बाय। चलिए चलिए। तुम कहाँ? जी वो बहुत काम है घर में। चलो 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 महकू, तुम अपने काम पे लग जाओ। साला सबसे चिकनी गांड हमारी ही है। तुमरी हो गए ससुरी, हमरा तो बाल बहुत है। अरे गरीबों को पैसा देना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आपके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे है ना? ओके नहीं है तो मैं पापा से दिलवा दूंगी, ठीक है? भैया चलिए। सोच रहा हूँ जाने कब से, तन्हाई में छुप के सबसे सोच रहा हूँ जाने कब से, इस उठी दिल में जो तुमसे प्यार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, दर्द मेरे दिल का ये पहली बार हुआ, क्यों तुमसे प्यार हुआ। हाय देखूं तुझको मैं किस हक से, सोच के दिल ये धड़के धक से, इस उठी दिल में जो तुमसे प्यार हुआ,
तुमसे प्यार हुआ, दर्द मेरे दिल का। ये भैया, अरे का देख रेट करो, मारिए ना, मार के निकलते हैं। अरे पगला गए हो क्या? यहाँ मारेंगे तो मैं और बिटुआ घर पर फंस जाएंगे, ऐसे कैसे मार सकते हैं? मौका देके ठोक देंगे, समझा करो। हर टाइम कुछ ना कुछ बहाना बना चले। हाँ जी, सिक्योरिटी के लिए आए हैं। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। Why would anyone want to kill me? यहाँ के सारे फोटोग्राफ चाहिए मुझे, और जिसने भी इन्फॉर्म किया उसका बयान ले, कोई मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे। प्लीज पीछे चलिए, प्लीज प्लीज पीछे चलिए, हम आगे करो तो क्या ना बच जाएगा। चलिए मैडम, प्लीज पीछे चलिए। आगे कितने बजे फोन आया था? आधे घंटे पहले। मैं किससे किया था? मॉल की सिक्योरिटी। कब से है ये यहाँ पे मॉल में? सीसीटीवी कैमरा का फुटेज वगैरह मुझे सब कुछ चाहिए। गांव देखने से लगता है ये गोली पास से ही चलाई है, कोई गैंग वॉर लग। क्या देख रहे तुम? क्या देख रहे हैं? शूटिंग चल रही है, पिछली शूट आउट हुआ है, गोली लगी है, ये अलग है। अरे प्रश्न विचार है, ये अलग छोड़ दो ना, पीछे जाओ, पीछे एवरीबॉडी भागे, और चल पीछे जाओ। क्या हुआ था मॉल में? साहब जब हम शशि जी को लेकर बाहर मॉल से निकल रहे थे तो किसी ने उन्हें गोली मारने की कोशिश की। काउंटर में मैंने भी वार किया, वो मारा गया। बाकी मैं और अटका शशि जी को बचाकर घर ले आए। आप चिंता ना करें, जब तक हमें शशि जी को कुछ होने नहीं देंगे उनका बाल भी बाका नहीं होगा। क्या गलती है मेरी? बस इतनी ही कि मैं गलत लोगों का साथ नहीं देता। मेरी ईमानदारी मेरी बेटी की जान की दुश्मन बन गई है। गलती मुझसे बस ये हो गई कि मुझे शशि को कहीं बाहर भेज देना चाहिए था। बस एक बार शशि को मैं सेफ कर दूंगा, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सर छोटी मोह बड़ी बात, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म सुरक्षा है अधर्म हता, पापम न भवति यत सनातन धर्मम रक्षा है भवति। सर अधर्म का विनाश करना पाप नहीं होता, ये तो सनातन धर्म की रक्षा होती है। पता नहीं क्यों चंदू, मुझे तुम पर बहुत भरोसा होता है।
ए, चल, उठ, उठ। मैडम आ रही है। सलाम। कौन है ये? कौन है ये? ये तो सेफ है, राणा के लिए काम करता है। नहीं था, ऐसे लोगों को ऐसे था होने में वक्त नहीं लगता। यकीन से कैसे कह सकता है कि ये तौसिफ है? पवार साहब पे गोली चलाने के लिए मुझे इसी ने घोड़ा दिया था। चल बैठ। रांझा तेरे पीछे हीरे, और सब कुछ बदल गया धीरे धीरे। औरतों की तरह ताना का मार रहा है। साफ साफ कहो, कहना का चाहते? बड़ा गीता बांच रहे थे, इतने भी ना समझ नहीं है आप? कहना का चाहते? हम तो उड़ती चिड़िया के झांटे गिन लेते हैं, और आप तो हमारे बड़े भैया हो। तो अरे कारे ढको लौंडिया को, मॉल को घुमाने लगे थे। तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हूं मैं, अगर वहां उसको ठुक देता तो यहां मैं और बिटवा फंस जाते। बस अरे कह कार्य होता है कि लौंडिया के जाल में फंस गए। हम मारने आए, बचाने नहीं। और आप कबूतर है, कठोर ठिकाना नठैया, और उस साली मछली है। कबूतर मछली का प्यार नहीं हो सकता, कहे कि कबूतर पानी में आ नहीं सकता और मछली जल में रह नहीं सकती। चले हैं कबूतर और मछली का प्यार बनाने के लिए, और हमको सरोकार बनाने के लिए बोल रहे हैं। अरे आपके नाम से चली गोली अपने सीने पे खाए थे हम। ये देखिए देखिए, आज भी है सीने पे दाग। बचपन में जब कंचा खेल रहे थे ना, तो गुल्लियां खत्म होकर अपनी जेब से निकाल के बंदूक की गोली दी थी। हमारे भैया है साले, हारने नहीं चाहिए। और हम नहीं छोड़िए, आपके तो नाम की हवा बहती थी गाँव में, चंद्रभान के नाम की हवा। कानी जी में जब गोली नहीं चला पाए ना, तो आपके बदले गोली हमने चलाई थी। तो सिफुआ से पूछा था कि साले गोली कहाँ ने चलाए, उसने कनपट्टी पे बंदूक रखा, कहते थे माधर चौध भैया से कुछ मत कहना। पर हमारे भैया एक लौंडिया के चक्कर में चंद्रभान से चंदू और चंदू से लंडू हो गए। यही ठोक देंगे। लौंडिया के चक्कर में आप भूल गए कि हम आपके छोटे भाई हैं। आपके पैतरे हमसे अच्छा कौन जान सकता है। सही निशाना लगाया आपने, उड़ा दीजिए हमारी खोपड़िया। हमारी गोली भी साथ साथ चल गई ना, तो आपके सीने को भेदते हुए आपके दिल तक जाएगी, जो अब आपका नहीं रहा। ये क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो ये? सवाल? अरे इसको समझाओ। चल, मजाक चल रहा है साला, इधर नहीं मारेंगे लौंडिया को, नहीं चाहिए पैसा। चलो बिस्तर पैक करो सब, चलो भागो यहां से, निकलो, नहीं रुकना है यहां। चला बात बात पे, बात बात पे। और एक बात सुनो सालो, तुम दोनों को मरने का भी हक नहीं है। कहे जिंदगी हमारी दी हुई है। साला कूड़े के ढेर से उठा के लाए थे तुमको, वहीं छोड़ आते तो अच्छा था। और अगर तुमको ही सब करना है ना मारा मारी, तो फिर पहले एक गोली इधर मारो, एक गोली उधर मारो, हम दोनों को मार के जो सलाह करना है करो। हेलो, कहा भैया? चलो इश्क लड़ाएं सनम। क्या चल रहा है सोन मछली के साथ? हम बताने में गलती कर दिए क्या, जो तुम लड़की के बदले में लड़के को ठोक दिया? अरे मार रहे थे, लेकिन वहां पर बहुत सारा भीड़ था। अब कर देंगे काम। पहेलियां जब मधुमक्खी पालता है तो उसे अच्छी तरह पता होता है मधुमक्खी कब शहद लेने जा रहा है और कब शहद लेकर वापस आ रहा है, समझेगा? गए थे दो लोग पीछे रुक गए, काम लगभग अधूरा रह गया। रे तुम्हारे कहने का टाइम खत्म, अब हमरा सुनो। और लगभग का क्या मतलब है साला, हम का 10 का दम खेल रहे का? 90% काम खत्म हुआ और अब बस 10% बचा है। कान में तेल डाल के सुनो, रात को गाड़ी घर के बाहर खड़ी रहेगी, ठोक के निकल जाना, और इस बार कौनो बकचोदी नहीं। और अगर नहीं होता है तो तुम चारों अपने लिए चार चार कंधे का इंतजाम कर लेना, और किसी पंडित से चार अर्थी का पैकेज डील हम खुद ही कर लेंगे, क्या समझे? छोड़ते हैं। मैं मंदिर जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे? अब चलिए, मैं आता हूँ।
ऐसे टाइम पे भगवान का ही भरोसा होता है भैया। चले जाते साथ में पानी। क्या बोला तू? कुछ बोला है का? देख साथ तेरी वजह से रो रहा है वो, डूब के मर। हम क्या बोले, आज जो उनकी हालत है इसकी जिम्मेदारी खुद ही है। पकड़, चल। भैया ठीक है आप? या आज जो हम आपसे बदतमीजी किए ना, उसके लिए हमको माफ कर दीजिए। हम जो कह रहे थे ना, आपके भले के लिए कह रहे थे, माफ कर दीजिए भैया। अरे बड़े भैया हैं आप हमरे, और आपको हम रोते हुए नहीं देख सकते। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी किया है ना, वो सब आपने मुझे सिखाया। जब डांटते थे ना बचपन में, चलो पेट में मुंह देते थे हम, और आज हमरी वजह से रो रहे हैं आप। भैया माफ कर दीजिए भैया, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफी मांग रहे हैं, चल बस भैया, माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए। ए भैया एक तो बात पूछे, प्यार करते हैं कब से बोलिए ना, बनाएंगे हमारी बहुजी? अरे बताओ ना, प्यार करते हैं ना? बोलिए ना। तो ठीक है, फैसला हो गया, उसको लेकर हम बिहार चलते हैं, उठा के ले चलते हैं बिहार। प्यार करती है? अरे प्यार करती है तो ठीक है, वरना गांव में हम खुद ही प्यार करवा लेंगे, वहां आप करवा लेंगे। भैया आप रुकिए मत, चुप हो जाओ। दुल्ला हनुमंतवा, अरे उसका क्या होगा, वो तो घर भी जानता है हमारा, पीछे ही पड़ जाएगा बिल्कुल। बिहार जाने के बाद उस बेटी छुत को भी देख लेंगे। अरे भैया अभी फोन लगाइए, सारा बोल देता है वो काम नहीं कर रहा है। हां बोल दो, हमको नहीं कर रहा है, सो लो यार, सोच लिया फिर बस, हम नहीं करेंगे कुछ। काका ए चंद्रमान, बोलो। मिलना है साला, हमको भी बात करना, आ ही जाओ, मुंबई में है हम। मतलब मुंबई में है, पाली हिल रोड नंबर 12 पर कमल विहार बंगला, पूछ लेना, छोड़ते हैं। मतलब साला, सरकार आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उनको यहीं पे बुला लिया है, आज रात को आपका काम फाइनल हो जाएगा। लौंडिया को ठोकने के बाद कल इस टाइम पे वो लोग अपने घर पे होंगे, बिहार में नहीं। वो लौंडिया को जैसे ही ठोक कर बाहर आएंगे, मेरा आदमी उन्हें ठोक देगा, टेंशन नहीं पाड़ूंगा मैं। अब उसके 8 लाख भी तू रख लेना। अरे सरकार, गजब हो गया है, क्या बात है? सरकार इस बात पे एक तो पैक बनता है। हाँ वैसे सरकार अगर ये बात है तो साला पवार को क्यों ठोकवा दे? मत नहीं, मतलब हम समझ नहीं पाए तो पूछ लिए। वैसे हनुमान सिंह समझ के काऊ काट लिया पे आज तक हा? नहीं समझने में भला ही है, हिंग लगे ना फिटकारी माल चोखा। साला पर्जी का 8 लाख रुपए कमा लिया, बताइए क्यों? राणा साहब आईसीपी बैठ,
आज रात को सारा टेंशन दूर करके मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तू सामान लेना। हो सके तो आज रात को ही निकल लीजिए राणा साहब, ये आईजी हाथ धोकर पीछे पड़ी है। ये कौन है? तेरे डिपार्टमेंट का है, सीनियर इंस्पेक्टर हरमंत सिंह। यार पुलिस किससे मिलना है? हनुमंत जी ने बुलाया। महेश साहब, कोई हनुमंत जी से मिलने है। क्या नाम है? चंद्रभान। चंद्रभान साहब जी, साहब जी जी जाइए। आ जाओ। राणा साहब यही है आपके कर्णधार। कुछ बात करनी है। रत्ता भाई तो बुलाया, बैठ के कर लो। हम लड़की नहीं मारेंगे। मतलब क्यों? प्राण से प्यार हो गया के? भाजी को राण कह रहा था, मार दिए। ठीक है ना भैया? ससुर बोरा गए कब? राणा साहब को मार दिस। अबे इनके लिए बुलाया था मुंबई, यही दे रहा था पैसा। अरे इसको भी मार दे। अरे पगला क्या कर रहे हो बे तुम? नहीं नहीं, अच्छा ऐसा उतना पाप कम दुनिया में है? अच्छा किया चंद्रभान, बहुत अच्छा किया तुम। अच्छा तो अब आप क्या विचार है? काम तो बचा नहीं, अपन कहाँ चलते? हम भी चलते हैं। वैसे अगर तुम्हारा कोई संदेह तो चिट्ठी देना गांव में तो बता। इसका क्या करें? क्या करें मतलब क्या? कुछ तरकारी है क्या? क्या करें मतलब क्या? चलते गांव बता रहे हो। साला साइलेंसर दिया था, खुदा ही साइलेंस हो गया। चलिए भैया। अरे सुनिए भाई साहब, साहब बहुत गुस्से में थे, पता नहीं हमको भी बहुत गरिया है, अंदर बिना पूछे किसी को जाने मत देना। अच्छा ठीक, और सब ख्याल रखिए। साला ये कर लो वो मत कर लो, इसकी तो तुम क्या कर रहे हो बे? गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब तो भैया की शादी होगी, खुल के नाचेंगे। भैया की शादी? भैया है कहाँ? कहाँ गए कब से दोनों लोग? हमें क्या पता, बोल रहे थे दारू पियेंगे और परमिशन लिए नहीं है। अब तुम जाओ परमिशन लेकर आओ, जाओ बूढ़े से पूछ कराओ। बूढ़ा तो हुआ, मुझने जाओ तो परमिशन। अच्छा ये सिवाने अपनी भाभी से भी मिलाएंगे? होने वाले भौजी हैं, मैं तुम्हारी आशीर्वाद लेके आना, भौजाई से मिलाएंगे। जा। अरे सुनो, अब क्या है? अरे अगर हाँ हो जाए तो चखना लिया ना। अब चखना भी चाहिए? हम नहीं जाएंगे चखना लेने। तुम अजीब आदमी हो यार, छोटा सा कप। अब परमिशन लेने भी हम जाए, चखना लेने भी हम जाए, कि मौका लग रहा है यहाँ पर। अच्छा जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ जल्दी, तलब लगी है ना, जाओ। चकना वगैरह कुछ नहीं लाएंगे बता रहे। अच्छा उबला हुआ अंडा? कुछ भी नहीं लाएंगे हम। अच्छा अच्छा हमरे इससे का मुंह, इसकी माँ का मुंह तो हमको ही पड़ेगा। तमिल जी क्या हुआ? अब भैया लोग कह रहे थे कि आज उनका दारू पीने का मन है, तो पी सकते हैं क्या? खाना खा लिया तुम लोगों ने? जी खाना। ठीक है, लेकिन पीने के बाद कोई ऊपर नहीं आएगा। जी जी इस साला इंग्लिश चटनी चिपकता बहुत है।
अबे आ गए? पूछ आए? हैं? पूछ आए? बता क्या है? कि आज दारू पियेंगे, सारा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अरे तुम सर परमिशन लेने गए थे कि ऑर्डर? अरे वो छोड़ो आप। भाई कुछ समझा इसको। आज एक पैक से काम नहीं चलेगा भैया, आज तो पूरी की पूरी बोतल पीनी पड़ेगी। बोतल पीनी पड़ेगी? अरे कहाँ है बोतल भाई? लेकर आए थे बिहार से। ये देखो। देसी दारू। गांव वाले। हम इसके ऊपर बैठे थे। हमें माफी भी नहीं। सारा मूंगफली चुन के खा रहे हो यार? नहीं अटका तुमने, करवा दो यार। साले इतना बढ़िया बात किया ना तुम्हें को, सुन ना, किसको उठा के लेके जाएंगे, मेहरारू बनाएंगे, ब्याह करेंगे, पूर्णिया चलेंगे दोस्त। साले हम गंदा काम छोड़ देंगे, क्या बोलते हो? बोलो। देख साला बोलते हैं ना कि जब जब जो जो हो, एक बाल आ गया। हाँ, जब जब जो जो होना है तब तब सोसो होता है। बोलो साला क्रिमिनल, हम साला मारने वाले लोग, ये लौंडिया पसंद किए तो बंगले वाले। अरे बड़का भैया, देखो भैया, लड़की बिल्कुल बिल्कुल सीता मैया है। तुम तो मैया ही बोलना। हाँ, और मैं बताऊं, हमको अभी घर के अंदर अपना सब ठीक ठाक करना पड़ेगा। ये जो साला नंग धड़ंग उठ के चले आते थे, एक आदमी नंगा आ सकता है बस। शादी है तो भैया साले बहुत मारेंगे तुम्हारी गांड तोड़ दूंगी। तो फिर बचेगा कहाँ? अरे मजा आ गया यार। अच्छा सुनो, ये जो दोनों बंदूक है इसको साला गंगा जी में फेंक दे। रास्ते में इसको बेच देंगे। बेच देंगे सर, दारू का पैसा आ जाएगा, पैसा। अरे यार हाँ, एक बात है, सुनो ना, मेरे को लेकर निकल जाएंगे ना, उसको कोई खतरा तो नहीं लगता भैया। हाँ। हम सब यार गांव में करवा लेंगे, गांव में करवा लेंगे, करवा लेंगे। यार करती है नहीं करेगी तो करवाएंगे ना, करवाएंगे। आपकी शादी के बाद पुष्पा भाभी। देखो भाई, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही मंडप में दो लोग निपट जाएं तो अच्छा है। पुष्पा को विधवा करने के चक्कर में लगे हो? अरे हट साला, विधवा करने के चक्कर में लगे, जब तुम मरोगे तो तुम्हारा अर्थी भी हम ही उठाएंगे, देखना। कितना देर में चला जाएगा? बहुत बहुत नशा हो गया, अब मत पियो ना ये महकू। सुनो रात तो पूरा बोतल खत्म होगा हमारा। बात कहाँ पी रहे हो यार? समझे कि आप लौंडियों से प्यार करेंगे और हम आपको घर नहीं देंगे, हैं? दिमाग खराब हो गया है आपका? कितनी बार समझाए थे कि लौंडिया बाजी मत कीजिएगा, लेकिन आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। आपका यह दास कमजोर हो गया है,
जो लौंडा बिहार से दारू की बोतल ला सकता है वो मुंबई स्टेशन पे हवलदार की बंदूक लेकर भागे थे, कैसे बोल सकते हैं आप? रखे संभाल के। सलाह बचपन से बताए थे कि एक ही नदी है जो उल्टी बहती है और हमको साला उसी में तैरना है। केक तो कटेगा पर बिल्कुल नहीं बटेगा, बचा नहीं पाएंगे आप। महलों में पली कण के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहानी लगे। भैया को कि साला लौंडा बाजी मत करना, लेकिन साला उसके दिमाग में भूसा भर गया था। तुम तो साली उसके उसके दिमाग में ही घुस गई। अरे कहाँ है तुझमें जो मेरा भाई उसे छीन लिया है, मेरा बचपन का भाई भाई छीन लिया। मरना मत भैया, मरना मत भैया, मुझसे कुछ चंद सांसें उधार ले ले बस, एक बार लगा ले तो मुझे। दरवाजा खुला है, किस्सा खत्म। ऐसा नहीं जाने देंगे तुमका।
अरे मार दिया उसको। कबड़ी मार का मार दिया। हवाली चाहता है। बिचार चला कूड़े का घर से छोड़ दे। कहे नहीं कूड़े का घर से छोड़ दे। कटा साला गटर का औलाद। कटा बिचार चला रहा है। कटा बिचार चंद्रभान। देख जिंदगी भर चुप। मिट्टी में मिला दिया साला। चुप। वो साला हरामी एक लोटिया के चक्कर में हम सबको मरवाने चला था। हम मार दिया उसको। साला सुअर तू का क्या लोटिया के साथ। हम उसको मार दिए। मार दिया उसको। मार हमको भी। नहीं मार हमको। मार सकता। काहे मारा? काकू को? काकू को काहे मारा? क्या चल रहा है यहाँ पर? ये तुम लोग? चाहता तो मैं भी इसे मार सकता था लेकिन मार नहीं पाया। शायद मेरे जमीर ने मुझे गवारा नहीं किया या फिर उसके प्यार ने। गांव ही अच्छा था। वहां नदियां होती हैं, कूदने पर अपने आगोश में तो ले लेती है लेकिन शहर यहां तो विशाल का समंदर होता है जो हर चीज को बाहर फेंक देता है। हमें तो यह भी नहीं मालूम था कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। गलती मेरी थी कि मैं प्यार कर बैठा। ना बता पाया ना बचा पाया। लेकिन भगवान की भी लीला अब रंपार है। अपने ही अतीत को अपने सामने लाकर खड़ा कर देता है। वो देखो वो है अटका, किसी और गुनाह में अंदर आया। साला भैया बोलता था हमको हम
हमेशा साला यही कहता था कि एक ही नदी है साली जो उल्टी बहती है और हमको उसी में तैरना है। साला आज देखते हैं हमको, तो देखो वे पंजाबी में बुद्ध था। चाहता तो मार देता लेकिन रिश्ते के नाम पर यही तो बचा, खुद भी डूबा हम सबको लेके डूब गया। जेल में बढ़ाई गिरी करके कुछ पैसे हमने कमाए, इसको लख में जमा, हमारे तो कोई काम के नहीं। आजीवन कारावास जो लगा अब गरीबों में दान देते ना, उन्हें दान तो बहुत पसंद, उनकी आत्मा को शांति मिली। सृष्टि जी की मैडम, मिलने का टाइम खत्म हो गया। समय के कालचक्र ने सब कुछ बदल डाला। जो कल था वो आज नहीं, और आने वाले कल की तो कोई बात नहीं। मानव शरीर एक गुल्लक के समान है, जिसे इंसान अपने अच्छे और बुरे कर्मों से सींचता है। सही कहते हैं, समय असमय तो इंसान खुद ही तय करता है। शायद यही कहानी थी उन चारों की। मैं मुद्रा, एक उपन्यासकार, एक नए लेखिका के लिए इससे अच्छी कहानी नहीं हो सकती थी। पर आज जब मुझे सब कुछ पता है, फिर भी भावनाओं के इस भंवर का अंत में लिखना नहीं चाहूंगी। सागरों नगरिया अन्हरिया, सागरों नगरिया अन्हरिया, हो सागरों नगरिया अन्हरिया, डगरियों न सूझल हो राम किया हो राम हो। चार चोर बड़ जोर सरब धन लूटल बोरा, चार चोर बड़ जोर सरब धन लूटल बोरा, किया हो राम हो। काम क्रोध मद लोभ सरब धन लूटल बोरा, जो गली गुलक गुलकवा मोरा फूटल घोरा, गैया से जो गली गुलक गुलकवा मोरा फूटल घोरा, अरे चार चोर बज जोर सरब धन लूटल घोरा।
हो राम हो चार चोर बर जोर सरब धन लूटल हो राम चार चोर बर जोर सरब धन लूटल हो राम अरे चार चोर बर जोर सरब धन लूटल हो राम।